हाँ नहीं दोस्तों, कल 12 बजे रात से टिकटॉक आपके फोन में चलना स्टार्ट हो जाता है, काम करना शुरू कर दे। टिकटॉक वापसी को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट ने बैन को हटा लिया फाइनली कुछ दिन के लिए। वो मामला यहाँ पे काफ़ी गंभीर था और वो मामला मैटर जो है काफ़ी सॉल्व हो चुका है, मैटर शांत हो चुका है चीन के बीच और इंडिया के बीच। और जैसे ही ऐसा खबर आया फाइनली टिकटॉक के लिए लेटेस्ट गुड न्यूज आ गया कि टिकटॉक हमारे इंडिया में वापसी कल 12 बजे रात से करने जा रहा है। बहुत ही बड़ी गुड न्यूज दोस्तों, जितने भी प्लेटफॉर्म चिरी आए थे, बहुत सारे मार्केट में प्लेटफॉर्म आए लेकिन आप लोग किसी पे शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे। बहुत सारे एप्लीकेशन तो फेक व्यूज ही दे रहे थे भाई, जहां 200 व्यूज मिलनी चाहिए तो वहां पे आपको 50,000 व्यूज देते थे फेक व्यूज, यानी कि आपके वहां पे रहने के लिए आपको मोटिवेट करने के लिए वो फेक व्यूज देते। रियल व्यूज कोई नहीं देखता था, जिस तरह टिकटॉक पे दिखता था, टिकटॉक पे एक ट्रेंड चलता था, टिकटॉक जैसा वायरल होना, टिकटॉक जैसा फेमस होना। टिकटॉक का लिंक बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर यूट्यूब सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म से लिंक था। जैसे ही टिकटॉक पे कोई वीडियो वायरल होता था तो फटाक से बॉलीवुड तक वो वीडियो पहुंच जाता था। तो कहीं ना कहीं टिकटॉक का बड़ा योगदान है, जितने भी स्टार भी फेमस हैं वो टिकटॉक के बदौलत हैं। टिकटॉक ने उसे फेस वैल्यू दिया है जो अभी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। तो टिकटॉक को लेकर बहुत बड़ा अपडेट, टिकटॉक के हाल ही में हमारी सरकार पिछले साल इस पर इंटरिम बैन लगाए थे दोस्तों। कुछ दिन पहले परमानेंट बैन के ऊपर न्यूज सुना मिल रहा था परमानेंट बैन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो फेक आर्टिकल था। अब हमारी सरकार जो उस पर से बैन हटा ली है और अब टिकटॉक हम लोग फाइनली यूज कर पाएंगे, बहुत बड़ी गुड न्यूज है दोस्तों। अब आप लोग क्या इसके बारे में सोच रहे हो, अभी आप लोग किस प्लेटफॉर्म पर, मुझे कॉमेंट में बताओ। एंड आप चाहते क्या हो टिकटॉक पर, क्या कब आए, जल्दी से आए। तो दोस्तों टिकटॉक जो है कल से आने वाला है, ये कैसा कुछ न्यूज हमें सुनने को मिल रहा है। तो फाइनली गाइस आप लोग खुशी मनाइए, टिकटॉक पे व्यूज आना ऑर्गेनिक, सारा कुछ ऑर्गेनिक था दोस्तों, लेकिन हर प्लेटफॉर्म पे फेक व्यूज मिल रहा है। टिकटॉक पे अगर आप फेमस होते थे, एक ऐसा टिकटॉक प्लेटफॉर्म था, रातों रात अगर आपको थोड़ा भी यूनिक कर बैठते थे तो रातों रात आपका वीडियो वायरल होता था, मिलियंस में व्यूज और रातों रात स्टार बन जाते, काफ़ी फेमस हो जाते थे हर प्लेटफॉर्म पे, आपकी नाम फेम सारा चीज़ मिलने लगता था दोस्तों। साथ ही आप पैसा भी कमा सकते थे टिकटॉक प्लेटफॉर्म के माध्यम से। कुछ दिन में तो टिकटॉक में मोनेटाइजेशन सिस्टम भी आने वाला था, बहुत सारा सपना जो कि अधूरा रह गया था लेकिन अब वो पूरा होने वाला, जो बाइटडांस कंपनी इसकी पेरेंट कंपनी है, टिकटॉक के पेरेंट कंपनी बाइटडांस, वो फाइनली अब जल्द ही हमारे इंडिया में इसको वापसी को लेकर अपडेट है दोस्तों। ये फाइनली एक फेक न्यूज, ये अप्रैल फुल दोस्तों, आज 1 अप्रैल मूर्ख दिवस था दोस्तों, इसके लिए मैंने सोचा माफी कीजिएगा। अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी भाई, मारो मुझे मार। तो दोस्तों यहाँ पर टिकटॉक ऐसा कुछ आने वाला नहीं है, ये बिल्कुल एक इमोशनल न्यूज था दोस्तों कि टिकटॉक हमारे बीच पता नहीं कब आएगा, नहीं आएगा, भविष्य में कब आता है देखिए। फिलहाल आप तो रील्स पे काम कर सकते हो ना, रील्स जिंदाबाद है, रील्स प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा आगे ग्रो कर रहा है, काफ़ी बूस्ट मिल रहा है, उस पर भी व्यूज मिल रहे हैं अच्छे खासे और काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है रील्स। जितने भी टिकटॉकर थे सभी रील्स पे शिफ्ट हो चुके हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बिल्कुल हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट में। अपने प्यार बरसाइए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा एंड कॉमेंट में बताइए कि वीडियो में आपको क्या समझ मिली, क्या सीख मिली। मिलते हैं नेक्स्ट में, भगवान का दिन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।